एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, राज्य सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। एससी एसटी वर्ग के छात्रों का भोजन भत्ता बढ़ाया गया है, 4,500 रुपए प्रति महीना ये भत्ता कर दिया गया है। 309 होमगार्ड जवानों को एरियर दिया गया है, 25 अप्रैल 2017 के बाद से उन्हें एरियर मिलेगा। दोनों प्रस्तावों को सीएम ने स्वीकृति दे दी है। होमगार्ड्स को एरियर और एससी एसटी छात्रों का जो प्रति महीना भत्ता है उसको बढ़ा दिया गया है। 309 होमगार्ड जवानों को 2017 के बाद से एरियर मिलेगा। अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। अजीत, बताइएगा ये दो अहम फैसले कितने बड़े पैमाने पर उसका फायदा होगा और कितना अतिरिक्त भार जो है इससे राजकोष पर पड़ेगा। आस्था, देखिए ये चूंकि रात ही में फैसले मुख्यमंत्री ने लिए हैं तो दो अलग अलग विभागों के फैसले हैं, लेकिन ये दोनों राहत देने वाले फैसले हैं और बहुत दिनों बाद सरकार इस तरह से पटरी पर लौटती दिख रही है कि जो एक वंचित वर्ग हैं या जो छूट गए हैं, जिनको लाभ नहीं मिला, उनको लाभ देने की कोशिश की जाए। और ये पहला फैसला है जो एस सी एस टी वर्ग के जो छात्र हैं, तो आस्था यहाँ मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा, जो समाज कल्याण विभाग के तहत जितने भी छात्रावास, जितने भी स्कूल्स, यानी स्कूल्स में एकलव्य पद्धति के स्कूल भी आते हैं, आदिवासी स्कूल भी आते हैं, तमाम वो स्कूल हैं, तमाम वो छात्रावास है जो समाज कल्याण विभाग संचालित करता है, जिसमें हजारों बच्चे रहते हैं और पढ़ते हैं, तो उनके लिए अभी तक 3,500 रुपये महीने का भत्ता था भोजन का एक महीने का, लेकिन अब उसको 4,500 रुपये कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा फैसला है और निश्चित तौर पर दोनों वर्गों के छात्रों को ये बड़ी राहत है, क्योंकि भोजन आज की तारीख में बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ है। और जब से कोरोना के बाद से खास तौर पर जो डाइट को लेकर हम सावधानी बरत रहे हैं, उसमें थोड़ी सी लागत बढ़ना लाजमी हो जाता है। तो सरकार ने गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए, एस सी एस टी के बच्चों के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया है। दूसरा फैसला, चूँकि ये होमगार्ड्स जो सचिवालय में ड्यूटी करते हैं, चूँकि सचिवालय में राउंड द क्लॉक ड्यूटी होती है, तो उनको बहुत दिन से उनका जो अवशेष एरियर था वो नहीं मिला था, तो इसी के लिए मुख्यमंत्री ने रात इस फाइल को मंजूरी दी और 1,25,000 रुपये पहली किस्त के रूप में जारी भी कर दिए। अब इनको अप्रैल 2017 से ये एरियर सारा मिलेगा और ये 300 लोग हैं, लेकिन इसका बड़ा मैसेज है कि जो काम कर रहे हैं उनको मिलना ही चाहिए, उनका एरियर क्यों रुका रहना चाहिए। तो दोनों प्रस्तावों को मुख्यमंत्री ने रात हरी झंडी दे दी। जी हाँ, बिल्कुल। तो दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव और दोनों से आपने जिस तरह बताया कि जो वंचित वर्ग था या जिसको जरूरत थी, काफी लंबे समय तक दरकार थी, उनको राहत मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।